हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 9.2 है, जो कि बहुत आसान है, उसे हम वन शॉट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली ऑलरेडी करा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पर। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए एक नंबर में, ठीक है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, ठीक है। तो जो व्यापक हल है, जो विशिष्ट हल है, वो क्या होता है? जब भी हम व्यापक हल निकालेंगे उसमें प्लस सी करके आंसर आएगा हमेशा। अभी तो नहीं, लेकिन 9.3 जो प्रश्नावली आप देखोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। और विशिष्ट हल में हमें सी हटाना होता है, कंडीशन दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगली प्रश्नावली में और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखो, अवकल समीकरण में जितनी डिग्री की कोटि होती है उतने ही उसमें कांस्टेंट होते हैं, मतलब जितने कांस्टेंट होगे आप उतनी बारी अवकलज कर पाओगे मैक्सिमम। अगर तीन कोई भी अवकल समीकरण आपको दे रखा है और आपसे बोले कि इसका हल ज्ञात करो, तो अगर उस अवकल समीकरण में दो कांस्टेंट है तो आप अधिकतम दो बार अवकलज कर सकते हो। अगर तीन कांस्टेंट है तो आप अधिकतम तीन बार अवकलज कर सकते हो। अगर एक कांस्टेंट है तो अधिकतम आप एक बार हल कर सकते हो। अवकल समीकरण के व्यापक हल में, ध्यान सुनिएगा, व्यापक हल में, यहां इसकी बात करते हैं, एग्जाम में एक नंबर में आता है, व्यापक हल में जितने कोटि होगी ना उतने क्या होंगे? अचर होंगे। और विशिष्ट हल में अचर कितने होते हैं? विशिष्ट हल में अचर जीरो होता है, कोई अचर नहीं होता मेरे भाई। और व्यापक हल में क्या होता है? जितनी कोटि की अवकल समीकरण होंगी उतने ही उसमें अचर होते हैं, या जितने अचर होंगे मैक्सिमम उतने ही कोटि के आप अवकल कर पाओगे, उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 9.2, ठीक है, एनसीईआरटी, बहुत आसान है। कह रहे हैं 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक या मुश्किल से दो नंबर में, एक नंबर में ही आता है। जैसे ये हमें वाई दे रखा है और हमें ये हल करना है। अच्छा, ये डबल टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखा है ना वाई डबल डैश माइनस वाई बराबर जीरो ला के दिखाना है, तो डबल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि वाई को हमें कितनी बार अवकलज करना है? दो बार अवकलज करना है, और उसमें से मुझे वाई घटाना है तो हमें कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। यह है प्रश्न, ठीक है। इसको हल करके ये हमें ला के दिखाना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रश्न में। चूंकि वाई हमें क्या दे रखा है, एक बार प्रश्न में देखते, ई की पावर 2 है क्या? ई की पावर एक्स है। देखा अभी मिस्टेक हो जाता, यहाँ पर क्या है, e की पावर x है। तो y हमारे पास है e की पावर x प्लस 1। हम पहली बार एक बार अवकलज करेंगे dy बट्टे dx, सिंगल डेरिवेटिव को y डैश से दर्शाते हैं। एक बार अवकलज किया है तो डैश से दर्शाएंगे। e की पावर x का अवकलज क्या होता है? e की पावर x, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? जीरो। यानी कि हमें क्या मिला, हमें dy बट्टे dx, यानी कि y डैश हमें मिला e की पावर x, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, उसके बाद आ जाओ समीकरण, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, जो y हमें दे रखा है इसको 1 मानते हैं, ठीक है। पुनः दोबारा सब क्लच करो। देखो दोबारा सब क्लच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx2। इसको हम कैसे लिखते हैं, जब dy/dx का दोबारा से जब अवकलज करते हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, d2y/dx2। और इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, y डबल डेरिवेटिव। इसका जब हम दोबारा अवकलज करते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दो बार अवकलज को y डबल डैश से दर्शाते हैं। देखो e की पावर x का अवकलज क्या होगा, e की पावर x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे भाई,
यहाँ पर हमारे पास क्या है, y डबल डैश माइनस वाई, तो y डबल डैश का मान कितना है e की पावर x, और y का मान कितना है y डबल डैश, सही है ना, e की पावर x प्लस वन, y डबल डैश, और यहाँ पर y डैश है, गलती कर रखा है पीपीटी बनाने वाले ने, y डैश है, तो y डैश का मान कितना है e की पावर x, ये भी रख देंगे, e की पावर x से e की पावर x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, डैश का मतलब क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव, सही कर लेते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। और करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, क्या है फिर y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो। पीपीटी बनाने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही बेकार करके लिख रखा है ना, तो हम सही कर ले रहे हैं। हमारे पास y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y डैश है, तो हम और यहाँ पर अचर पद कितना है, एक ही अचर पद है c, तो तुम कितनी बार आप क्लस कर सकते हो, एक बार, ठीक है। तो एक बार आप क्लस कर लेते हैं dy बट्टे dx, x स्क्वायर कब क्लस क्या हो जाएगा 2x, और x कब क्लस क्या होता है एक, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और सिर्फ कांस्टेंट कब क्लस क्या होता है जीरो, यानी कि हमारे पास dy बट्टे dx यानी कि y डैश कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, दो एक कम दो। अब आ जाओ प्रश्न में, प्रश्न में हमारे पास क्या है, y डैश माइनस के 2x माइनस के 2, इसको हल करके हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो सिंगल डेरिवेटिव का मान रखेंगे हम, क्या है 2x प्लस 2, ये y का मान है ना, समीकरण नंबर एक, और इसको समीकरण नंबर दो मान लो, y डैश का मान रखा, फिर माइनस का 2x है, माइनस का 2 है, प्लस का 2x माइनस का 2x, प्लस का 2 माइनस का 2, आ गया जीरो। हमने बायां पक्ष हल किया, किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया, इतनी सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, इतना आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक नंबर में। आगे बढ़ते हैं, y बराबर क्या है, cos x प्लस c, एक बar क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और y डैश प्लस sin x को क्या लाना है, जीरो लाना है, ठीक है, एनसीईआरटी से मैच कर ले रहे हैं। y डैश मतलब हमें एक ही बार अब क्लच करना है, तो देखो हमारे पास y क्या है, cos x प्लस c है, तो हमें इसका क्या करेंगे, एक बार अब क्लच कर देंगे। cos x का क्लच क्या होता है, माइनस के sin x, कांस्टेंट कब क्लस जीरो, यानी कि वाई डैश हमें क्या मिल गया, माइनस के साइन एक्स, समीकरण नंबर दो, और ये समीकरण नंबर एक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, वाई डैश प्लस साइन एक्स, इसको हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, तो वाई डैश का मान रख देंगे, कितना वाई डैश का मान, माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स हटा, क्या आ गया, जीरो। हमने बाया पक्ष सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया, दाया पक्ष मिल गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, आराम से बन गया, ठीक है। हमें वाई दे रखा है, हमें चेक करना है कि अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, होगा प्रश्न में जब दे रखा है तो होगा। अगले वाले में आ जाओ, ये y है, हमें y डैश वो ला के दिखाना है, तो ये हमारा y है, समीकरण नंबर एक मान लो, अब क्लच करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब पावर में आधा, हम क्या करेंगे, अब क्लच dy बट्टे dx, पहले क्या सॉल्व होता है, अब क्लच करने पर घात सॉल्व होती है, पावर सामने आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, एक घात कम हो जाती है,
और अंदर जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक है, यहां से देखो क्या आ जाएगा, dy बट्टे dx को हम क्या लिखते हैं, y डैश, और यहां से बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात माइनस आधा बट्टे में दो। और देखो कांस्टेंट का अवकलज होता है 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2x। थोड़ा आगे हल करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा बट्टे में दो 2x प्लस 0 2x, और ये माइनस का नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का आधा, और आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। आधा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। जिसमें मुझे प्रूफ करना है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अंडर रूट नहीं है, दो से तो दो कट गया, तो फिर क्या करना है मुझे, परिमेयकरण कर देना है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा कर देना है। कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये चीज, और सेम चीज जब दो बार गुणे में होती है अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। अच्छा भाई, इसके जगह पे तुम क्या रख सकते हो, क्या रख सकते हो, वही रख सकते हो, इसके जगह पे क्या रख सकते हो, वही रख सकते हो, समीकरण एक से। इस तरफ क्या है हमारे पास, वाई डैश है, तो जो प्रूफ करना था वो आपको आराम से मिल गया, एक्स इसके जगह पे रख दिया वाई, बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें को क्या करना था, प्रूफ करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड, ये सिद्ध करना था ना, आराम से हो गया, इतना आसान प्रश्न है। अगले वाले में आ जाते हैं, बहुत आसान है। वाई बराबर हमारे पास क्या है, ए एक्स, वाई डैश एक ही बार है तो एक बार आप क्लोज करो, यानी कि डी वाई बट्टे डी एक्स करना है। ए कांस्टेंट हो गया, एक्स का क्लोज क्या होता है एक, यानी कि वाई डैश ए एक कम ए आ गया। ठीक है, ये तो चलो सही हो गया। फिर हमें क्या करना है, वाई डैश इधर क्या है, एक्स है, वाई डैश किस तरफ क्या देख रहे हो आप, एक्स देख रहे हो ना, तो दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वाई डैश किस तरफ क्या है मेरे भाई, एक्स है, एक्स वाई डैश, और यहां हो जाएगा एक्स। अच्छा, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं, वाई रख सकता हूं, समीकरण एक से। ठीक है, मान रख देंगे एक्स की जगह क्या रख दूंगा, वाई, यही मुझे सिद्ध करना था, एक्स वाई डैश किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ये वाई है और हमें ये प्रूफ करना है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आप देख रहे हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, वाई डैश देख रहे हो आप, तो एक बार हम क्या करेंगे, आप क्लच यहां फर्स्ट इनटू क्या लग जाएगा, सेकंड, अब क्लच करो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का, अब क्लच साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होता है, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, अवकलज आपको आता है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहां आपका हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां पर एक्स साइन एक्स है, ठीक है, तो आपको क्या लाना है, वाई लाना है, एक्स वाई डैश चाहिए ना, ओके। फिर देखो हम क्या करेंगे, वह डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई डैश, तो वाई डैश हमें ये मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये जो हमारे पास आया है रिजल्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर तो चलो वाई डैश है, ये साइन एक्स को पहले लिख देते हैं,
कॉश एक्स को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ से साइन एक्स की जगह पे मान क्या जाएगा, क्योंकि वाई बराबर एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मान रखूँगा साइन एक्स की जगह पे क्या रखूँगा, वाई बट्टे एक्स। अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर में मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, साइन एक्स कॉश एक्स कहीं नहीं है आपके आंसर में, है क्या? नहीं है, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई डैश ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स की जगह मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ ना, वाई बट्टे एक्स रख देता हूँ यहाँ पर भी, दोनों जगह रखते हैं। फिर यहाँ देखो साइन एक्स की जगह मैंने रख दिया वाई बट्टे एक्स, यहाँ ऑलरेडी एक्स है अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा वाई बट्टे एक्स का यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हल करते हैं, इधर हमारे पास है वाई डैश, यहाँ पर हमारे पास है वाई बट्टे एक्स, फिर एक्स अंडर रूट के अंदर गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, हल कर देते हैं, वाई बट्टे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लोगे। लॉस ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, फिर लॉस ऑफ फिर यहां से आ जाएगा टोटल के बट्टे में एक्स वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरफ हमारा क्या है वाई डैश है, ठीक है। और ये बट्टे के एक्स रखे क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा एक्स वाई डैश, हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। देखो मेरे भाई हमें यही प्रूफ करना था, आ गया, हमें यही प्रूफ करना था। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है, एक बार ये मैं क्लच करना है समीकरण नंबर एक, ठीक है, एक सी दिख रहा है ना, एक ही बार मैक्सिमम आप क्लच कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सिंगल डेरिवेटिव है, तो अगर हम आप क्लच करेंगे फर्स्ट इंटू इसमें लग जाएगा सेकेंड, हमारे पास क्या है एक्स इंटू वाई बराबर लॉग वाई। अच्छा लॉग वाई है या कुछ और है, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है ना, क्वेश्चन नंबर सेवन 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 कहाँ है भाई, किधर, हाँ वाई है, लॉग वाई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, अब वो क्लच करने पर, अब क्लच करोगे तो इधर भी करोगे और उधर भी करोगे, एक्स के सापेक्ष अब क्लच करने पर इसमें क्या लगेगा मेरे भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे के वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, वाई का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स, दूसरा वैसे का वैसे एक्स का अवकलज, एक्स के सापेक्ष क्या होता है एक, इधर हो गया, लॉग वाई का अवकलज क्या होगा वन अपॉन वाई, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई का अवकलज कर दोगे दोबारा, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और कांस्टेंट का अवकलज क्या हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज जीरो होता है। तो यहां से हमें मिलेगा एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स की जगह पर लिखते हैं वाई डैश, ये हमारा वाई, और वाई डैश बट्टे में क्या आ गया वाई, बट्टे में क्या आ गया वाई, अब ये वाई इधर आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। ये उधर जाएगा, ये वाई स्क्वायर है वाई डैश, और ये आ गया एक्स वाई वाई डैश, तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, तो हमारे पास इस तरफ क्या है वाई स्क्वायर वाई डैश ले लोगे उभयनिष्ठ,
वाई डैश एक कम वाई डैश, और यहाँ से बचेगा एक्स वाई। ठीक है मेरे भाई, तो ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था, वाई डैश इसी के बराबर ला के दिखाना था आंसर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी ना, एकदम आसान आसान है। अगले में आ जाते हैं, क्या है देखो कि वाई शाइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स फिर वाई डैश इसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, तो डैश का मतलब एक बार आप क्लच तो करते हैं, हमारे पास है वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स। एक्स के सापेक्ष जब क्लच कर दोगे, वाई का क्लच क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और कॉस वाई का क्लच क्या होगा, माइनस के साइन वाई, कॉस का हो गया आपके वाई का होगा, तो वाई का क्लच क्या होता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, बाई तरफ हो गया था, एक्स का क्लच एक्स के सापेक्ष कितना होता है, एक। तो ये हमारा आ गया वाई डैश, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन वाई, वाई डैश बराबर एक। ठीक है, वाई डैश बराबर एक। ओके, फिर देखो वाई डैश है ना, और क्या कर सकते हैं, वाई शाइन वाई सही है ना, क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवा है ना, वाई साइन वाई कॉस वाई। ठीक है, ये हो गया, यहां से क्या हो सकता है, देखो वाई का मान अगर मैं निकालूं, माइनस का कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस कॉस वाई की जगह पर मैं वाई रख सकता हूं, या फिर वाई की जगह पर एक्स प्लस कॉस वाई रख सकता हूं। देखो यहां पर मुझे चाहिए ना एक्स प्लस कॉस वाई, तो यहां से वाई डैश उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो उभयनिष्ठ, तो यहां बचेगा एक, और यहां से बचेगा साइन वाई, और यहां आ जाएगा एक। ठीक है, इधर एक है, इधर आपको क्या चाहिए भाई, प्रूफ में वाई चाहिए उस तरफ ना, तो वाई चाहिए, तो मैं हम क्या करेंगे, वाई से गुणा कर देंगे, वाई से गुणा कर देंगे, तो यहां हो जाएगा वाई डैश, वाई एक कम वाई साइन वाई गुणा वाई प्लस वाई एक कम वाई, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वाई से गुणा कर दिया। ठीक हो गया, अच्छा अब मैं वाई की जगह पे मान रख सकता हूँ, ये वाला वाई की जगह मैं क्या रख दूँ, एक्स प्लस कॉस वाई, यहां लिख देंगे वाई का मान रखने पर। ठीक है, वाई का मान रख देंगे, वाई डस वाई का मान हमारे पास क्या है, वाई का मान हमारे पास है एक्स प्लस कॉस वाई, इसकी जगह पे मान रख दिया, और यहां पर क्या है शाइन वाई गुणे में वाई, इधर हमारे पास क्या है वाई, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है जी, यही हमें क्या करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था, देखिए आराम से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखो सिंगल डेरिवेटिव यानी कि एक ही बारे में क्लोज करना है, ये हमें दे रखा है, क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, करो अवकलज, एक्स का अवकलज करोगे तो एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, वाई का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, और टेन इनवर्स वाई का अवकलज क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, एंगल वाई है
और वाई का अवकलज दोबारा हो जाएगा क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक हो गया, इसको ढंग से लिख लेते हैं। डी वाई बट्टे डी एक्स का मतलब है वाई डैश, वाई डैश बट्टे में वन प्लस वाई स्क्वायर। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, तिरछी गुणा, वन प्लस वाई स्क्वायर कम वन प्लस वाई स्क्वायर, और वाई से जब गुणा करेंगे वाई डैश से, तो वाई डैश एक कम वाई डैश वाई डैश वाई स्क्वायर, और इधर क्या है हमारे पास वाई डैश। ठीक हो गया, अब आप देखोगे ये वाई स्क्वायर सबको उठा के एक तरफ लाओ, एक साथ लिखते हैं वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर, इसको साथ में रखा, और यहाँ से वाई डैश प्लस वन, और ये प्लस का वाई डैश इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के वाई डैश, उस तरफ कुछ नहीं बचा, वाई डैश से वाई डैश कटा, तो जो हमें प्रूफ में चाहिए वो हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर वाई डैश, यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस वन, उधर क्या है जीरो, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये वाई दे रखा है आपको, ये चल करके जीरो लाना है, आसान है। अंडर रूट का मतलब होता है घात में आधा, आपको यहां दिख रहा है ना डीवाई बट्टे डीएक्स, यानी कि हमें एक बार अपक्लच करना है, करो। अब क्लच करेंगे तो वाई का अब क्लच क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, इसी तरह ही लिखते हैं ना। पहले क्या सॉल्व होती है, पावर एक बट्टा दो सामने आ जाएगा, और पावर से एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। जब भी पावर हो पहले पावर सॉल्व होती है, एन एक्स एन माइनस वन वाला नियम लगता है, पावर सामने आ जाती है और जो भी घात होती है उससे एक घात कम हो जाती है, और फिर जो भी अंदर में होता है उसका क्या कर देते हैं, अब क्लच। ठीक, तो एक में से आधा घटा हो गया, आधा बचेगा माइनस का, बट्टे में दो है, कांस्टेंट का अपक्लच होता है जीरो, एक्स स्क्वायर का अपक्लच क्या हो जाएगा टू एक्स, और इधर हमारे पास क्या है डीवाई बट्टे डीएक्स। तो देखो जीरो में से दो एक्स घटाओगे माइनस का दो एक्स, बट्टे में दो, ये नेगेटिव का है, नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दो से दो कटा, और एक बट्टे दो का मतलब क्या होता है अंडर रूट। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है डीवाई बट्टे डीएक्स, ये बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। अच्छा अच्छा एक सेकंड, फिर देखो ये तो हमने डीवाई बट्टे डीएक्स निकाल दिया, डीवाई बट्टे डीएक्स के एक्स के बट्टे में, अच्छा माइनस एक्स है, माइनस एक्स के बट्टे में क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दो मानो, और ये जो हमें प्रश्न में दे रखा है वाई, इसको समीकरण नंबर एक मानो। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ आगे प्रश्न अनुसार, बायां पक्ष ले लेते हैं हम, क्या है बायां पक्ष, एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स, अगर मैं इसको हल करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक्स तो मैंने यहां रख दिया, वाई का मान क्या है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है माइनस के एक्स बट्टे में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस का सेम टू सेम ऊपर गुणे भाग में कटा, क्या बचा एक्स माइनस के एक्स, कट के क्या जाएगा जीरो। हम बायां पक्ष लेके चले थे, हमें क्या मिल गया दायां पक्ष, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये जो दो एमसीक्यूज है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आ जाते हैं, हर साल आ जाते हैं, ये बहुत आसान एमसीक्यू है
और इसको मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक। बहुत आसान है, कहने चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने बोला जितनी कोटि होगी उतने ही अचर होंगे किसमें? व्यापक हल में। तो कितना होगा आंसर? चार। सेम क्वेश्चन अगर आपसे बोल दे, बस व्यापक हल की जगह अगर लिख दे विशिष्ट हल, तो क्या होगा उत्तर? जीरो। विशिष्ट हल में कोई भी अचर नहीं होता, जीरो। और व्यापक हल में क्या होता है? जितनी कोटि होगी उतने ही अचर होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? जीरो। क्योंकि क्या बोला? विशिष्ट बोला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कई बच्चे तीन लगा देंगे तीन कोटि देख के। विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर शून्य होते हैं, कोई अचर ही नहीं होता उसमें, ठीक है। आने वाली प्रश्नावली में उन चीजों को सीखेंगे करेंगे। तो आशा करता हूं ये जो प्रश्नावली है बहुत आसान है, और यहाँ से एक नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, इतना आसान है। लेकिन आने वाली जो प्रश्नावली है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके, और उसके बाद और एक प्रश्नावली आएगी। देखो वेरिएबल सेपरेबल हम सीखेंगे, वाई वाला एक तरफ करना होता है, एक्स वाला एक तरफ करना होता है, फिर समाकलन करके हल निकालना होता है। उसके बाद समघाती अवकल समीकरण वाला प्रश्न, वहां से एक क्वेश्चन आता है, और रैखिक अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विशिष्ट हल निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए, आठ आठ नंबर में आता है, ठीक है। आसान है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको समाकलन आता है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा, बाकी कल से आपके क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।